व्लॉगिंग। जी हाँ दोस्तों, व्लॉगिंग। सौरभ जोशी की इतनी अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ देखकर के इस समय देश का हर लौंडा लपाड़ी, हर निम्बा निबी, आई मीन हर कपल, यहाँ तक कि 10-10 साल के लौंडे, मतलब 10-10 साल के बच्चे जो कि अभी अंडे से बाहर भी नहीं निकले, ये सब लोग फोन उठा रहे, वीडियो बना रहे और व्लॉग्स के नाम पे अपने चैनल पे डाल रहे और दिखा क्या रहे, आज अच्छे से करेंगे। ऐसे लोगों के लिए ना अर्ज किया है। अजीब तेरे नखरे, अजीब तेरे स्टाइल, अजीब तेरे नखरे, अजीब तेरे स्टाइल, और मुंह धोने की तमीज नहीं, हाथ में ले लिया मोबाइल। यहाँ दोस्तों आज हम बात करेंगे राजू लव सुचित्रा। वैसे तो आप में से कई लोग इन्हें जान चुके होंगे क्योंकि अभी तक ये बेचारे बहुत रोस्ट हो चुके हैं, लेकिन अब अपुन की बारी है। तो सबसे पहले हम इन्हीं के बारे में बात करते हैं। राजू और सुचित्रा, ये दोनों सून टू बी अ यूट्यूब स्टार है। इनके हिसाब से बहुत ही यूनिक कॉन्टेंट अपने चैनल पर डालते है दोस्तों। इनका कॉन्टेंट है एक दूसरे से लिपट कर, एक दूसरे के ऊपर चढ़ कर, या फिर एक दूसरे के साथ लेट करके वीडियोज बनाना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुचित्रा की, उर्फ बीवी ऑफ राजू। भाई एक चीज मैं क्लियर कर दूं, इसको तो मैं निब्बी ही बुलाऊंगी, क्योंकि शादी के बाद भी इस बंदी को हनी बनी पसंद है, और क्योंकि ये नमूना इसका पति है इसलिए मैं इसको निब्बा बुलाऊंगी। इन दोनों की दी हुई जानकारी के हिसाब से हमें पता चला है कि इन दोनों ने शादी की है। ब्रावो, ग्रेट, चलो की तो की। ऐसे वीडियोस बनाने की क्या मजबूरी थी? कोई दबाव है बहन, कोई दबाव है तो हमको बताओ। तुम दबाव तो है, दबा के जो रखा है बंदे ने। खैर आगे बढ़ते हैं और इनकी सबसे ज्यादा देखी हुई वीडियोस को देखते हैं। आज अच्छे से करेंगे। अच्छा चलो दिखाओ। Hey guys, good morning, कैसे हो आप सब? बहुत दिनों से हम दोनों का ब्लॉग नहीं आ रहा था, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम में फंसे हुए थे। फंसे हुए थे कि फंसे हुए हो? उलझे हुए हो तुम लोग, लिपटे हुए हो तुम लोग। क्या हो गया देश की जनता को? और ऐसे वीडियोस पे 7-7 मिलियन व्यूज। आज हम जा रहे हैं अपने ससुराल, तो आप लोग हमें आशीर्वाद दीजिए। ऐसे कौन आशीर्वाद मांगते बे, ये इज्जत का काम है, इसे तो कम से कम खड़ा कर लेता, और चल नहीं खड़ा होता कम से कम बैठ ही जाता। दोस्तों प्लीज आप लोग हमारा जो वीडियो है उसको लगभग पूरा देखिए। भाई तेरी वीडियोस में क्या देखे हम? तो ऑडियंस रिटेंशन कम होने से दोस्तों हमारा वीडियो भी मतलब ज्यादा व्यूज नहीं आ पाता है। जितना हो सके उतना ज्यादा देखिए, ताकि जो वीडियो है उसका ऑडियंस रिटेंशन जो है दोस्तों अच्छा हो। और ऑडियंस रिटेंशन के लिए मेरे भाई कुछ करना पड़ता है, और हाँ ये तो बिल्कुल नहीं करना पड़ता। और एक मिनट, तुम्हारी वीडियो का टाइटल है लव मैरिज कपल लाइफ, और ससुर तुम बतिया कर रहे हो ऑडियंस रिटेंशन। वाह गजब का क्लिक बेट है भाई। खैर ये इसके इसी वीडियो की बात नहीं है, ये अपने सारे वीडियोस में क्या गजब का क्लिक बेट मारता है बॉस। हालांकि आज तक मैं अपने थंबनेल के लिए डांट खाती आई हूँ। इसकी लाइंस पढ़कर आगे वाला बंदा छोड़ो, बाहर देश में बैठा हुआ यूट्यूब वाला भी ना गर्म हो जाता होगा गुस्से से। और भाई साहब ऐसे व्लॉग्स को यूट्यूब प्रमोट भी करता है। अब ऐसे चलता ना तो यूट्यूब एक दिन बन जाएगा। संडे को हम दिखाने वाले हैं रेड लाइट एरिया, और रेड लाइट एरिया नंबर 5 को एक्सप्लोर करने वाले हैं, और वहाँ का जो नजारा है वो आपको दिखाने वाले हैं, और ये भी देखना चाहती है ना। मैं पूछ रही, मैं सच में जानना चाहती हूँ कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? अबे चूतिया, बीवी के साथ रेड लाइट एरिया कौन एक्सप्लोर करता है बे? और बहन तुम ऐसे तो ये हमेशा तुम पे चढ़ा रहता है, ये सुनने के बाद तो तुम्हें इसके ऊपर चढ़े रहना चाहिए। पत्नी होने का मतलब ये नहीं होता है कि तुम पति के हर बकलोली में उसका साथ दो। क्यों तुम लोग सोचते हो कि तुम लोग व्लॉग्स बनाओगे तो फ्लाइंग बीस्ट या मुंबई का निखिल बन जाओगे या उनकी तरह फेमस हो जाओगे? देखो मैं ये नहीं बोल रही कोई हो नहीं सकता, मेहनत करोगे तो ऑब्वियसली कोई कुछ भी बन सकता है। यार मेहनत करने के लिए भी ना मेहनत लगती है, तुम दोनों एक दूसरे के ऊपर से नीचे उतरो तो ना मेहनत करोगे। देखो मैं तुम लोग को एक चीज बता दूं कि हम जितने भी फेमस व्लॉगर्स को देखते, चाहे वो गौरव भैया हो, फ्लाइंग बीस्ट हो, चाहे वो मुंबई का निखिल हो, ये लोग पहले अपना ट्रैवल वीडियोस बनाते थे और व्लॉग्स तो इन्होंने बाद में बनाना शुरू किया। इनफैक्ट सौरभ जोशी को भी देखे तो सौरभ जोशी का पहले आर्ट चैनल था, जब उसके पास अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स आ गए थे तब उसने व्लॉग्स बनाना शुरू किया। ऐसा नहीं था कि एक दिन फोन और मुंह उठाया, व्लॉग्स बनाया और फेमस हो गया। और एक और बात और जरूरी भी, वो लोग ऐसी व्लॉग्स नहीं बनाते। आज अच्छे से करेंगे, आज आओ सब लोग, इम्पोर्टेंट बात करनी है। भाभी ने दिखा दिया अपना दम, भाभी जी ने साला बोले भी शर्म आ, ज्यादातर थंबनेल्स में लेटी हुई होती। That's it for today guys, अब इससे ज्यादा मैं नहीं देख पाऊंगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम सब अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही, वो अपना काम कर रहे हैं, पर आप अपना काम नहीं कर रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। वी आर फ्यू सब्सक्राइबर्स लेफ्ट टू बी 1K फैमिली, सो या कीप सपोर्टिंग गाइस, कीप
लविंग एंड यस डू सब्सक्राइब एंड इफ यू लाइक इट हिट द लाइक बटन और यस कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी. टिल देन मस्त रहो, आबाद रहो, यहाँ रहो चाहे दौलताबाद रहो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.